सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। जहां तक हम लोग देख रहे थे, हमारा दो एपिसोड बन चुका है गो टू ग्रैंड मास्टर का। और फर्स्ट एपिसोड में हम लोग देखे थे कि भाई हीरोइक फर्स्ट स्टार हम लोग अचीव कर लिए थे। एंड सेकंड एपिसोड में गाइस हम लोग भाई इलाइट हीरोइक भी कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन दोस्तों हम ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मैं ना वेपन ग्लोरी बढ़ा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब कि लास्ट जोन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, जोन भी देखो और एलाइव भी बंदा देखो, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है, जिसके कारण मैं M82 वगैरह कुछ खरीद नहीं पा रहा हूँ। एंड पुशिंग पे भी ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को पुशिंग भी करना है। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि भाई मेरा आवाज थोड़ा सा चेंज लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों मेरा यहाँ पे तबियत खराब हो चुका बहुत ज्यादा, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है। एंड अभी तो पुशिंग भी बहुत ही मेहनत से करना पड़ रहा है दोस्तों। बाय द वे दोस्तों, जो जो मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखना यह है क्या मैं ग्रैंड मास्टर अचीव कर पाऊंगा। ग्रैंड मास्टर के साथ साथ ही मेरे को देखना है कौन से वेपन ग्लोरी का इंडिया पे लगा पाऊंगा। तो भाई चलो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब हम फर्स्ट मैच खेल रहे थे, जो डुओ खेल रहे थे दोस्तों, हम लोग थर्ड पार्टी करने आए। एंड भाई बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों प्लेयर को मार दिया एक एक प्लेयर में। और हाँ डुओ में भाई अभी भी थोड़ा सा हार्ड लो भी आ रहा है, तो हम लोग गाड़ी को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अभी माइनस नहीं लग रहा है स्टार्टिंग में। अब वही यहाँ पे देख लो दोस्तों, हम गाड़ी से यूज कर रहे थे, लेकिन भाई यहाँ पे दो प्लेयर आ गया था। एंड मेरा फ्रेंड कब उतर गया मेरे को पता ही नहीं था दोस्तों, तो फटाफट मैं नीचे आता हूँ। एंड अचानक से मेरे को दिखता है बंदा नहीं है मेरा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। और जाते ही मेरा फ्रेंड को डाउन करते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही गलत सीन होता है, वो भी डाउन रहता है। अब देखो मैं मेरे को जाने से पहले पूरी रिवाइव हो जाएगा और काफी डैमेज मेरे को दे रहा है दोस्तों। और डुओ है तो डुओ में रिस्क लेने का नहीं, मतलब वो रिवाइव दे देगा। तो 1v2 का सीजन यहाँ पे होने वाला है, तो फटाफट मैं जाता हूँ, क्या करता हूँ गाड़ी पकड़ूंगा दोस्तों, क्योंकि गाड़ी से मैं निकल सकता हूँ। एंड काफी इस्तेमाल में कर रहा हूँ गाड़ी का डुओ में, डुओ में भाई एक ही चांस होता है गाड़ी से भागने का, क्योंकि एक प्लेयर दोनों मिलकर मार सकते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ से भाग के एंड मैं फ्रेंड को बचा लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखना कितना गलत सीन होता है, मैं तो जाता हूँ गाड़ी लेके और मेरा फ्रेंड वहीं पे लैंडिंग करता जहाँ पे वो मरा था, और जाते ही मेरे को दिख जाता है बंदा लेफ्ट साइड में, और शायद वही मेरा फ्रेंड को मारा था। और अचानक से गया भाई एंड बहुत ज्यादा मारा, बट भाई M10 रिकॉल करने के कारण नहीं मारा बंदा, और अचानक जाता हूँ अपने आप को पैक कर लेता। तो भाई जल्दी से गुलल फोड़ता हूँ एंड अचानक से मार के फटाफट फिनिश कर देता हूँ। वही वाला स्क्वाड था जो मेरा फ्रेंड को मारा था दोस्तों, तो काफी अच्छा लूट मिल जाता है। तो हम लोग फिर आगे निकल जाते हैं। एंड देखते देखते दोस्तों यहाँ पे देखो कितना गलत सीन होता है, हम दो प्लेयर बाकी हैं, लास्ट जोन हो गया था और एक एनिमी बाकी था, और हम लोग को करना था किल ज्यादा दोस्तों, क्योंकि मेरा M82 का किल नहीं हुआ था। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ अपना प्लेयर को बोलता हूँ भाई नीचे गिरा दो अपना टोकन। एंड वही से ही देखते हुए वो सामने प्लेयर है एंड अचानक से भाई हम लोग को मार भी रहा है, लेकिन वो बंदा मतलब थोड़ा सातिर था, आई डोंट नो, क्योंकि हम लोग को भाई रिवाइव दिलवा के उसको भी मारना है। लेकिन दोस्तों वो क्या करते हैं, वो टीम अप तो फाइनली अभी कर लेता फिलहाल के लिए, उसे बहुत मारने के बाद मतलब हम लोग फायर करते ही नहीं है, तो वो सोचता है चलो यार टीम अप कर लेते हैं। और फाइनली वो टीम अप कर लेता है और उसको टोकन भी देता हूँ दोस्तों, लेकिन भाई इससे इतना खतरनाक शातिर कोई था ही नहीं। तो वो जाता है बचाने के लिए, हम लोग भी उसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि अपना फ्रेंड को बचाएगा और हम लोग उसको मार देंगे दोस्तों, वही हम लोग का प्लान था दोनों का। एंड वैसे ही करते दोस्तों फटाफट जाते हैं एंड मेरा फ्रेंड भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कितना गलत सीन होता है भाई, मैं जाता हूँ और भाई देखो वो बचाना जाता है, बट गाइस वो बचाता नहीं अपना प्लेयर को, भाई इतना शातिर था बंदा, मतलब बचाया नहीं, बोला नहीं बचाऊंगा भाई किल हो जाएगा, इसलिए वो बचाया नहीं अपना फ्रेंड को। और देखो वो अपने आप मतलब हम लोग से फाइट लेने लगा, क्योंकि उसको पता था भाई कि रिवाइव देगा और मेरे को मार देगा, उसने रिवाइव दिया ही नहीं। एंड देखते थे वो नीचे कूद गया, अब तो उसे आने का कम चांस था एंड मेरा किल भाई बहुत कम था। तो मैं अपना फ्रेंड को बोलता हूँ रैन तो मैं मारता हूँ, फटाफट जाता हूँ दोस्तों। और बहुत ही शातिर था, मतलब वो रिवाइव दिया ही नहीं प्लेयर को, बहुत ही गंदा वाला यहाँ पे सीन हो गया था। बट यहाँ पे आया बंदा एंड उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मार के एंड भाई बॉडी शॉट से फिनिश कर दिया, और फाइनली यहाँ पे मेरा बोया हो जाता है। एंड डुओ में दोस्तों आपका अच्छा खासा किल हो जाएगा ना, तो भाई प्लस तो होना ही है, जैसे कि यहाँ पे मेरा 3 किल था बट भाई 41 का प्लस मिलता है। और दोस्तों आप लोग बता दो कि भाई बहुत सारा गेम प्ले आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा उसके लिए सॉरी, बट भाई बहुत ज्यादा तबियत खराब होने के कारण 1% भी मेरे को भाई वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज भाई क्या करो बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग फुल वीडियो देख लेना भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और वही हमारा नेक्स्ट वाले मैच में जो हम लोग डुओ ही खेल रहे थे, और फाइनली हम लोग टॉप 2 पोजीशन पे आ गए थे। एंड सामने प्लेयर था दोस्तों जो काफी टेबल दिया, डाउन भी हो गया, फटाफट जल्दी से किल लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा किल नहीं था दोस्तों। और भाई मेरा पहला किल यहाँ पे निकल जाता है, पर हाँ डुओ में ना पहले हम लोग फाइट नहीं लेते हैं, लास्ट में फाइट लेते हैं, क्योंकि पहले फाइट लेने के बाद ना माइनस होने का डर रहता है, तो इसलिए दोस्तों अभी फाइट ले रहे हैं। एंड फाइनली देखो सामने प्लेयर आ रहा था और डुओ वर्सेस डुओ का सीजन होने वाला, मतलब टॉप 2 पोजीशन पे आ गए थे और हम लोग रस कर रहे थे साथ में, और मेरा फ्रेंड भी रस कर रहा था दोस्तों। तो फटाफट मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ एंड जल्दी से फिनिश भी लेना पड़ेगा, इसके पास सुई था। और भाई देखते देखते एक प्लेयर ही बाकी रहता है जो सामने था दोस्तों, और वो मेरा फ्रेंड को डाउन कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे बचा लिया अपने फ्रेंड को। एंड वो भाई सामने था पेड़ के पास एंड मेरा फ्रेंड देखो रस करने जा रहा था, एंड मेरे पास ग्रेनेड था और भाई ग्रेनेड में बहुत ही बेहतरीन से कुक करके एंड भाई मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन से मर भी जाता है मेरा ग्रेनेड से। एंड ये वाला भी मैच हमारा बहुत ही अच्छा खासा प्लस मिल जाता है, मीन्स भाई 43 का प्लस मिलता है एंड 3 किल के साथ था, इसलिए हम लोग बहुत ही सीक्रेट खेल रहे हैं, बहुत ही मतलब होल्ड करके खेलना पड़ रहा है दोस्तों। अब हमारे नेक्स्ट वाले मैच में जो स्टार्टिंग में फाइट हो गया, तो भाई बहुत ही गलत सीन यहाँ पे होने वाला है, एक को तो मैंने डाउन कर दिया लेकिन भाई उसका फ्रेंड आके मेरे को डाउन कर देता है। भाई तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा फ्रेंड भी था जो आ रहा था दोस्तों, और उससे पहले मैं मर गया। लेकिन यहाँ पे देखो भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोबारा से डाउन कर दिया एंड तीसरे बंदे को मारना चाहा, बट भाई उसका पूरा स्क्वाड यहाँ पे आके और मार दिया। और हाँ आप लोग बता दो ये भाई हमारा स्क्वाड गेम प्ले था। अब थोड़ी देर बाद हम पूरा स्क्वाड को रिवाइव मिल जाते हैं एंड भाई यहाँ पे मैं आता हूँ फैक्ट्री में, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे थे, मैं आगे देख रहा था, पीछे से मेरे को डैमेज दे दिया एक प्लेयर ने, और भाई बहुत ही गलत तरीके से वो रश कर रहा था और पीछे ही बंदा था दोस्तों।
जो कि काफी अच्छे तरीके से डैमेज देकर डाउन कर दिया इस बंदे को। एंड जल्दी से फिनिश भी ले लेता हूँ क्योंकि ऊपर में बंदे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे वेट करने लगता हूँ अपना फ्रेंड को आने का। और जब तक नहीं मेरा फ्रेंड सब यहाँ पे आया तब तक भाई मैं उसको भाई पूरा घुमाता रहा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक प्लेयर को काफी डैमेज तो नहीं लग पाया था, लेकिन पूरा स्क्वाड उसका आ रहा था मेरे पे रश करने के लिए, लेकिन मेरा फ्रेंड तब तक आ जाते हैं। एंड अब कोई टेंशन नहीं दोस्तों, बट यहाँ पे मेरे को काफी डैमेज दे दिया बंदे ने। और देखो एक बंदा रहता तो कोई टेंशन, यहाँ पे दो बंदे रश कर देते जो कि भाई मेरा सोनिया से एक को मैंने डाउन कर दिया। एंड देखना यहाँ पे मेरा सारा फ्रेंड आ चुका था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसको डाउन कर दिया और यहाँ पे मैं बच जाता हूँ मरने से। और एक प्लेयर को मैं लेके गया था भाई, और हम लोग काफी टाइम से भाई फैक्ट्री पे पूरा स्क्वाड बैठे थे और वही भाई गलती हो गया था, क्योंकि देखो यहाँ पे उसका स्क्वाड जिसको हम लोग मारे थे उसका स्क्वाड पूरा फिनिश नहीं हुआ था, जिस कारण वो सब रिवेंज लेने आया था। और देखो उसके पास एमएटीवी था जो कि हम लोग को सबको डैमेज दे रहा था, और भाई एक को नहीं सारे बंदे को डैमेज दे रहा था। तो हम लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हुए, लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे लग गया भाई मरने वाले भाई। देखना ये है इसके यहाँ पे मार पाएगा या हम लोग उसे मारेंगे, क्योंकि वो सब रिवेंज लेने आया था दोस्तों। तो बहुत ज्यादा गलत सीन यहाँ पे होने वाला है। एंड ये इतना नहीं भाई, वो देखो कितना गलत तरीके से क्या क्या फेंक रहा था, जिस कारण हम लोग यहाँ पे फिलहाल के लिए अभी कवर में आ जाते हैं। एंड भाई मेरा फ्रेंड सबको काफी वो डैमेज दे भी रहा था, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे दोस्तों कि हम लोग बंदे का वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कितना गलत सीन होता है। देखो राइट से बंदा आता है जो कि भाई बहुत ही गलत तरीके से मेरा फ्रेंड को डाउन कर देता है, लेकिन यहाँ पे मैं डिमिट्री के कारण अपना फ्रेंड को भी बचा लेता हूँ, एक प्लेयर को भी डाउन कर देता हूँ एंड फटाफट इसको फिनिश करता हूँ दोस्तों। एक प्लेयर और आया था जो कि मैं जल्दी से गुलबुल लगा के सारा फ्रेंड मेरा बच जाता है। बचने के बाद दोस्तों मेरा फ्रेंड सब तो मेडिकेट करने के बाद फटाफट जाकर रश करता है, एंड ये फ्रेंड ज्यादा रश करने और फाइनली उसको भी डाउन कर देता है और फिनिश भी कर देता है दोस्तों। अब देखते ही देखते पूरा छोटा जोन हो गया, तो जो हम लोग यहाँ पे आए थे भाई थर्ड पार्टी करने के लिए मैं वेट कर रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना एक प्लेयर जो मेरा फ्रेंड को डाउन कर दिया और मैंने उसको डाउन कर दिया फर्स्ट शॉट में ही, और फटाफट जाकर किल भी ले लेता हूँ। एंड एक प्लेयर और आ रहा था उधर से, लेकिन भाई उसे मैं नहीं मार पाता और मेरा फ्रेंड भी मर जाता वहाँ पे। बस एक फ्रेंड मेरा जिंदा रहता है, जो कि देखना यहाँ पे कितना गलत सीन होता है कि वो जोन में काफी गंदे तरीके से फंस गया था। एंड मेरे पास पोर्टल था दोस्तों जो कि उसका काफी अच्छे तरीके से हेल्प मैंने कर दिया, और अपना फ्रेंड को बोलता फाइनली इधर आ जाओ कि पोर्टल से आ गया बंदा, और भाई बहुत ही गलत तरीके से उसको बचा लिया यहाँ पे। एंड बहुत ही कम बंदे बाकी हैं, अगर अच्छे तरीके से हम लोग खेल गए तो भाई बोया हो सकता है। भाई देखो हम लोग ऊपर जा रहे थे क्योंकि ऊपर में बंदे शायद हो सकते हैं या नहीं, वही चेक करने के लिए जा रहे थे दोस्तों, और नीचे भी थोड़ा बहुत देख रहे थे कि बंदे आ सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे देखना मेरा फ्रेंड ज्यादा रश करने, लेकिन भाई अचानक से वो डाउन हो गया और मैं जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले भाई उसको फिनिश कर देता है। एंड एक बंदा रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं था भाई, तो एक बंदा दिखा दूसरा बंदा दिखा, और देखते देखते पूरा स्क्वाड भाई अचानक से दिखेगा। देखना भाई अचानक से पूरा स्क्वाड दिख गया, जिस कारण बहुत ही गलत सीन यहाँ पे होने वाला था, बट एक को मैंने डाउन कर दिया, लेकिन भाई मेरे पास गुलबुल ना होने के कारण मेरे को यहाँ पे मरना पड़ा। एंड भाई लास्ट ही हम लोग प्लेयर बाकी थे, और भाई अगर टॉप टू आपका नहीं लेगा ना तो मेरा 5 के लिए यहाँ पे था, फिर भी मेरा प्लस नहीं होता है, मतलब 27 का ही बस प्लस मिलता है। एंड दोस्तों हमारा नेक्स्ट वाले मैच में कितना गलत यहाँ पे लैंडिंग होता है, जो कि दोस्तों सारा एनिमीज को तो मिल जाता है गन, लेकिन मैं जाता हूँ मेरे को गन मिलता है नहीं, और हम लोग पूरा स्क्वाड यहाँ पे फंस गए थे। तो मैं तो जा रहा था भाग रहा था दोस्तों, किधर भागो समझ में नहीं आ रहा था, और फाइनली मैं सामने भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई मेरे को एनिमी देख लेते हैं एंड काफी डैमेज भी देते हैं। अब भाई भागने का कोई चांस नहीं था, मेरे पास कोई भी गन नहीं था, एंड यहाँ पे तो मरना है दोस्तों, और बहुत ही गलत सीन होने वाला है क्योंकि सारा फ्रेंड भी फंसा हुआ है मेरा। और देखो यहाँ पे भाई अचानक से मेरे को मार दिया, और पीछे से भी मार रहा था जो कि मैं डाउन हो गया, और मेरे पास कोई भी गन नहीं था दोस्तों। और देखते देखते मेरा दो फ्रेंड मर जाते हैं, हम दो मतलब दो प्लेयर बाकी रहता है, और ये तो एक को मार देता है दोस्तों, और अचानक से सामने आता है और एक पीछे से प्लेयर और आता है जो कि अचानक से मार के हेड और उसको भी डाउन कर देता है। अब यहाँ पे देखो उसका दो ही प्लेयर बाकी है स्क्वाड का। अब हम लोग को लगा भाई कि मैच निकल गया, माइनस नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लच निकल रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना गलत सीन होता है, ये मेडिकेट कर रहा था और एक फ्रेंड मेरा और अच्छे तरीके से यहाँ पे पुश कर रहा था, बट यहाँ पे देखो कितना गलत सीन हो रहा है, मेरा फ्रेंड तो यहाँ पे जा रहा है लेकिन पीक के साइड जा रहा दोस्तों, जिसके कारण भाई माइनस लगने का बहुत ज्यादा चांस था, और हम लोग बोलते भाई इसके पास करेक्टर भी नहीं था, एंड मारता तो मर सकता था दोस्तों। तो यहाँ पे तो कोई बात नहीं दोस्तों, एंड मेरा फ्रेंड वहाँ पे फंसा हुआ था, जो कि देखो अचानक से भाई सामने प्लेयर तो है वो फाइट ले रहा था, और ये जा रहा था टोकन लूटने के लिए, एंड टोकन लूट भी लेता दोस्तों, लेकिन देखना यहाँ पे अचानक से प्लेयर लैंडिंग करता है एंड भाई काफी बेहतरीन डैमेज हो जाता है, लेकिन ये ही डाउन हो जाता है। अब लास्ट ये प्लेयर बाकी रहता दोस्तों, जो कि सामने जा रहा था और जिधर भी जा रहा था बस एक ही प्लेयर ही दिख रहा था। तो अभी तो यहाँ से बंदा था राइट साइड, तो ये जल्दी से आगे निकल जाता है। अब देखते देखते ये कैप्टन आ जाता है, जो कि दोस्तों कितना गलत सीन होने वाला है, ये कैप्टन तो आया था हम लोग को बचाने के लिए, लेकिन इसको प्लेयर पकड़ लेते हैं एंड भाई बहुत ही गलत सीन होने वाला है, वो मार दिया बंदा और हम लोग का पूरा स्क्वाड खत्म हो गया। और दोस्तों हमारा टीम का और मेरा भी बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से माइनस लगने वाला था, और बहुत ज्यादा माइनस लग गया भाई, मतलब 38 का माइनस लग गया। एंड दोस्तों वही रिकवर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बोया हो जाता है एंड यहाँ पे हमारा काफी अच्छा खासा प्लस मिल जाता है दोस्तों। अब वही हमारा नेक्स्ट वाले मैच में जो टॉप 3 लगा था एंड मेरा 3 किल भी था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 26 का ही प्लस मिलता है। एंड दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही प्लस होता है, मतलब कि 4 स्टार नहीं जा पाता हूं, लेकिन भाई बहुत ज्यादा माइनस हो रहा था। बाय द वे दोस्तों जो जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मेरा बात सुन के भाई थैंक यू दोस्तों, दिल से शुक्रिया। एंड भाई शेयर भी कर देना अगर कोई शेयर कर सकते हो तो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना जो न्यू चैनल पे हो दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।